नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। भाजपा इस बार निकाय चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दाव लगाने की तैयारी में है। पार्टी खास तौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमान उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने जिताऊ उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। मुस्लिमों की दावेदारी और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर अगले हफ्ते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम के साथ मंथन भी करेंगे। मामले की अपडेट के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी उन्हीं मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाएगी जो जिताऊ हो। पार्टी ने 2017 के निकाय चुनाव में 13 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि वेस्ट यूपी में ही 3-4 उम्मीदवारों को जीत हासिल हो सकी थी। लखनऊ नगर निगम के हुस्नाबाद वार्ड में भी एक पार्षद सपा से भाजपा में शामिल हो गया था। नए वोटर्स को साथ लाने की कवायद में जुटी बीजेपी मुसलमानों को अपना बनाने पर काम कर रही है। इस वजह से निकाय चुनाव में मुसलमानों पर दाव लगाया जाएगा। भाजपा के एक नेता कहते हैं कि मुस्लिमों को टिकट देना बीजेपी की सियासत का भी हिस्सा है और जरूरत भी है। 2012 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 30% से अधिक नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम बने थे। यूपी में 24 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की संख्या 20% से ज्यादा है। संबल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, श्रीवस्ती में मुस्लिम आबादी 35% से 92% तक है। बात केवल नगर पंचायतों की करें तो अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, संबल, शामली सहित कई जिलों में मुस्लिम वोटर्स बहुत सारे हैं। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बानसीत अली कहते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा पाने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो हर बूथ पर करीब 100 लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे को इन्हें अपना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कई मुस्लिम बहुल वार्डों में बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं था। वहीं नगर निगमों में 980 पार्षदों की तुलना में 844 पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। वाराणसी नगर निगम की 90 में से 78 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे गए थे, क्योंकि मुस्लिम बहुल वार्डों के लिए पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं थे। ऐसे में बीजेपी को यहां से जीतने की संभावना को बरकरार रखना है तो मुस्लिम को टिकट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा पार्टी मुस्लिमों से परहेज के दावों को खारिज करने में भी सफल रहेगी। इसी वजह से इस बार अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुस्लिमों को निकाय चुनाव में टिकट देने पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।